नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। जय श्री राधे, जय निताई। आप सभी के चरणों में दास का प्रणाम, दंडवत। आज वृंदावन में स्थित सप्त देवालय में से जो प्रथम देवालय हैं, श्री राधा गोविंद देव जी का जो मंदिर है, जिसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे, उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। जय जय श्री राधे, जय निताई। जो श्री राधा गोविंद देव जी का मंदिर है, वह वृंदावन में सर्वाधिक प्रसिद्ध है और सबसे पहला मंदिर है। लाल पत्थर से बना हुआ मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है और सबसे पुराना है। वर्तमान में जो इसकी रूपरेखा है, उसका जो कारण है, वह औरंगजेब का अत्याचार एवं क्रूरता, जो भरा स्वभाव था, जो उन्होंने उस समय सभी मंदिरों को, हिंदू आदि मंदिरों को ख़त्म करने की ठानी थी, वह इसका प्रमाण है। इस मंदिर की जो सबसे ऊंची, बहुत ऊंची चोटी थी, जो पूरी, उसको हम गगनचुंबी या आकाशचुंबी कहते हैं, इस मंदिर का जो निर्माण कराया था, जो गौड़ी गोस्वामी श्री रघुनाथ भट्ट जी महाराज थे, उनके शिष्य थे जयपुर के, जो नरेश थे, श्री मान सिंह जी, उन्होंने कराया था। जब औरंगजेब ने यहाँ पे हमला किया था, तो राजा मान सिंह ने यहाँ से जो श्री राधा गोविंद देव जी की जो प्रतिमा थी, जो मूर्ति थी, वह अपने राजमहल में अंदर मतलब छुपा दी थी, अपने महल में, जो कि ले जाकर जयपुर में उनका महल था, वहाँ छुपा दी थी। और वह विग्रह आज भी, जो कि यहाँ प्रकट हुए थे, वह आज भी जयपुर में है और गौड़ीय वैष्णव गोस्वामी द्वारा सेवा, उनकी सेवा की जाती है। इस मंदिर के पास जो बहुत अच्छी है, ये मंदिर भी अपने में बहुत सिद्ध मंदिर है, इसके यहाँ के ठाकुर भी बहुत सिद्ध हैं। आज भी वृंदावन के लगभग हर गौड़ियों को, वैष्णव जो संत हैं, वे प्रतिदिन नियम से यहाँ जाके अपना भजन आदि और दर्शन जरूर करते हैं। बहुत विशाल मंदिर है, आप कभी वृंदावन आएँ तो इसकी ज़रूर दर्शन करें। इस मंदिर के ठीक पास में एक वेणुकूप है, यानी कुआ है। इस कुएं को ठाकुर जी जब श्याम सुंदर, जब कृष्ण भगवान थे, तो उन्होंने अपने ग्वाल बालों की प्यास बुझाने के लिए प्रकट किया था। उन्होंने ज़मीन पर एक वेणु रखा, उसमें फूंक मारी और उससे तुरंत ही पानी आने लग गया और उन्होंने अपने सारे सखाओं की जो प्यास है उसको, इसको बुझाया। कई लोग इस कुएं को वंशी कुआ भी कहते हैं। यहाँ पे पुराने इस मंदिर के दक्षिण पश्चिम भाग में श्री योग माया देवी का मंदिर है, जो कि हमारे ठाकुर श्री कृष्ण भगवान की शक्ति है। जो ठाकुर जी सोचते हैं, वह ठाकुर जी स्वयं नहीं करते हैं, वह इनकी यह योग माया शक्ति करती है। यह अंदर जाके अंडरग्राउंड में है, वहाँ कभी आप पधारें तो यह मंदिर रोज नहीं खुलता है, साल में 2 या 3 बार खुलता है, लेकिन यदि आप इसके दर्शन वहाँ पे करना चाहें तो जो गोस्वामी हैं, यदि आप इसके वहाँ दर्शन करना चाहें तो जो वहाँ पे गोस्वामी वृंद हैं, उनसे यदि आप, पंडित जी हैं, उनसे कह देंगे तो हो सकता है आपको दर्शन करा दें। वहाँ पे एक श्री वृंदा देवी का भी मंदिर है, कृष्ण बलराम जी का और राधा गोपाल जी भी विराजमान है वहाँ पे। यहाँ पे एक गणेश जी का भी मूर्ति है। सब दर्शनीय प्राचीन विग्रह हैं। आइए अब जानते हैं कि गोविंद देव जी जो महाराज हैं, उनका प्राकट्य कैसे हुआ। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी जो थे, उनको
वृंदावन भेजा कि जाओ, जो वृंदावन में लुप्त स्थान है, तीर्थ हैं और लीला स्थल हैं, उनको प्रकट करो। तो महाराज श्री महाप्रभु की आज्ञा पाकर रूप गोस्वामी जी वृंदावन आ गए, परंतु उनका पूरा ध्यान वृंदावन में तो आ गए अपने प्रभु की आज्ञा मानकर, लेकिन उनका पूरा ध्यान ठाकुर के याद में ही लगा रहा कि वो अपने ठाकुर को, महाप्रभु को छोड़ के आए थे, जिनके लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा, और उनका दिमाग दिन दिन भर ध्यान उधर ही लगा रहा। अब ठाकुर से अपने भक्ति की पीड़ा कहाँ देखी जाती है। उन्होंने तुरंत ही शिव गोस्वामी की दिन स्वप्न में जाकर कहा कि मैं इस गोमा टीला में दबा हूँ, मुझे बाहर निकालो। रूप गोस्वामी सो रहे थे, उनकी अचानक नींद खुल गई, वो मन रात भर परेशान रहे कि ये आखिर हुआ क्या। खुश हुए, बहुत खुश हुए, झूमने लगे और कई सारी सी कल्पनाएं करने लगे। उनको बस सुबह होने का इंतज़ार था। जैसे ही सुबह हुई तो उन्हें देखा एक बालक आया और वो स्वयं ठाकुर जी थे। बोले, बाबा सामने ये गोमा टीला है, मैं नित्य यह देखता हूँ कि एक गाय यहाँ आकर एक निश्चित स्थान एवं निश्चित समय पर दूध की वर्षा करती है, फिर ना जाने कहाँ चली जाती है। आप चलो उठकर देखो तो ज़रा। श्री गोस्वामी जी मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने तुरंत बालक के पीछे पीछे वहाँ गए। वहाँ जाते ही उन्होंने देखा कि एक गोमा टीला पर एक निश्चित स्थान पर गाय जो है दूध धारा से उस स्थान को भिगो रही थी। उन्होंने तुरंत ही ये चीज़ देख के बहुत ही खुश हुए। उन्होंने आसपास के जितने भी ब्रजवासी गण थे उनको सबको बुलाया और बहुत ही सावधानी पूर्वक उस गोमा टीला की खुदाई करवाई। जब खुदाई हुई तो लगभग 10 हाथ नीचे वहाँ पे एक श्री गोविंद देव जी के विग्रह थे। सबने देखा और सब चकित रह गए और उनको विग्रहों को बाहर निकाला गया और वहीं पे उनको स्थापित किया गया। श्री गोविंद देव, इन्हीं ठाकुर का नाम पड़ा श्री गोविंद देव जी ठाकुर। तो इस तरह से हमारे राधा गोविंद देव जी का विग्रह जो आया उसका प्राकट्य हुआ। इन्हें हम स्वयं प्रकट्य ठाकुर भी कहते हैं, यानी कि जो स्वयं प्रकट हुए हैं। वह कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं है जो किसी मूर्तिकार ने बनाई हो, इन्हें स्वयं प्रकट्य ठाकुर भी कहा जाता है। और ऐसे ही ये सप्त दिवालय और अष्टम जो गद्दी है श्री श्रृंगारवट की, ये सारे ठाकुर ऐसे ही हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं। हमें जब भी वृंदावन आए इन दर्शन, इन जगहों के स्थानों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। ये स्थानों के दर्शन हमारी भक्ति में, हमारी साधना में वृद्धि करते हैं, हम पे कृपा करते हैं। जो श्री राधा गोविंद देव जी में श्री राधा जी का विग्रह है उसकी भी एक छोटी सी कथा है। एक समय राज विप्लव में वृंदावन से श्री राधा रानी का एक विग्रह श्री वृद्ध भानु पंडित जी ले गए थे उड़ीसा में, और वहाँ उन्होंने राधा जी का जो विग्रह था प्रतिष्ठित किया था। वहाँ जो राधा रानी जी का विग्रह उन्होंने प्रतिष्ठित किया था वह जगन्नाथ मंदिर में चक्रवेण नामक स्थान है, वहाँ श्री लक्ष्मी जी के रूप में किया था। लेकिन जब श्री गोविंद देव जी का यहाँ वृंदावन में प्रकट हो गया, उसके बाद राजा पुरुषोत्तम थे, उनको राधा रानी जी ने स्वप्न दिया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे मेरे प्रेरणा श्री गोविंद देव जी के पास ले चलो, मैं लक्ष्मी नहीं हूँ। तभी श्री पुरुषोत्तम जी जो राजा थे उन्होंने तुरंत ही इस पे एक्शन लिया और वह श्री राधा रानी जी को लेकर वृंदावन आ गए। श्री गोविंद देव जी के वाम भाग में आज भी वह प्रतिष्ठित है। आप सभी भक्तों के चरणों में फिर से मेरा प्रणाम। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जरूर जब भी वृंदावन आए इन स्थानों के दर्शन करें। ठाकुर जी आप पे अपनी कृपा बनाए रखें। जय जय श्री राधे, जय नीताई।